हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डेस्टिनेशन पे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग अपने जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री का एक पार्ट है, वो उसका शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये श्रृंखला तब तक चलेगी जब तक इसको हम लोग अच्छे से एंड ना कर दें, समझा ना दें। तो इतिहास सबसे पहले शुरू करते हैं, इतिहास हम लोग को पढ़ना क्यों चाहिए। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि हम लोग आज जो भी हैं, जैसे भी बने हैं, वो अपने इतिहास की बदौलत बने हैं। हमने पीछे अपने इतिहास में क्या सही किया, क्या गलत किया, उसका ही अनुकरण करके, उसका ही अनुसरण करके हम लोग कुछ नया करते हैं। जैसे कि आज हम लोग जिस लग्जरियस लाइफ में जी रहे हैं, जिस तरह के हमारे पास सुख सुविधाएँ हैं जो कि पहले के लोगों के पास नहीं थी, तो हम लोग एक कंपेरिजन करते हैं कि हाँ, उन्होंने पहले क्या था और अब क्या है और क्या कर सकते हैं। तो इसलिए इतिहास को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा जो सांस्कृतिक इतिहास है, सांस्कृतिक सभ्यता है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो प्रशासन करने की क्षमता होती है, खेती करने की, और जो इकोनॉमिकली जो भी सारा इतिहास में हमारा लिखा हुआ है। तो एक शब्द में कहें दोस्तों, तो हमारे पास अगर कुछ हमारा धरोहर है तो हमारा इतिहास ही है, और हमें उससे जुड़ा हुआ रहना चाहिए, उसके बारे में स्टडी करना चाहिए और उससे और क्या अच्छा कर सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों। एक बेसिक अभी बच्चों के मन में बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है कि इतिहास है तो बहुत सारा रटना पड़ेगा, बहुत डेट्स याद करने के, शासन प्रणाली को याद करना पड़ेगा, बहुत शासक को याद करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। मैं आपके सामने एक लाइव टेलीकास्ट चलाऊंगा, बस आपको हिस्ट्री मतलब कहानी, हिस्ट्री जैसा आपको मन में चल रहा होगा कि हिस्ट्री मतलब कहानी, वो तो कहानी ही चलेगा। तो आप बस इस क्लास को अटेंड कीजिए लास्ट तक, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, आपको एक समझने की क्षमता पैदा हो जाएगी कि हाँ, इतिहास में हमें किस तरह से प्रोसीड करना है। तो बहुत लंबा नहीं खींचते इंट्रोडक्शन को और शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक इतिहास। तो चलिए दोस्तों, इतिहास को सबसे पहले जो तीन भागों में बांटा गया था, उसमें से पहला भाग आता है हमारा एंशियंट, जो कि प्राक इतिहास कहलाता है, जिसको कि प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। और ये प्री हिस्टोरिक एज में अभी हम लोग को तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं करना है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि उस समय के लोगों को इतने वो लोग इनिशिएट हुए थे बस, कि उनके पास ना लिखने पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था, वो लोग बस शिकार करके अपना खाना खाते थे। और उनको जो मेंस प्राथमिक उनका जो कह सकते हैं कि प्राथमिकता जो सबसे पहले दिया था उन्होंने भोजन संग्रह को दिया था, यानी कि वो सिर्फ भोजन को संग्रहित करके रखते थे ताकि हमको बस पेट भरना है किसी तरह, और चाहे वो शिकार करके हो, जानवर को कच्चा खाना हो, आदमी को खाना हो, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। और उस तरह के लोग ऐसे ही रहते थे, मतलब नंगे रहते थे, उघाड़े रहते थे। उघाड़े मतलब समझते हैं ना, मतलब कुछ नहीं। तो आप समझ सकते हैं, तो इसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा स्रोत नहीं है इसके बारे में जानने के लिए। जो भी पुरातत्व के वैज्ञानिक के लोग हैं, जो भी पुरातत्व का विभाग के रिसर्च किए, तो वहाँ से जो मृदभांड प्राप्त हुए, मृदभांड मतलब जो भी टूटा फूटा, जो भी मान ली अभी जिस आप कमरे में बैठे हैं, या फिर ऐसा कोई घर जहाँ अभी भूकंप है और टूट जाए, इस तरह का विनाश हो जाए, तो अब वहाँ पे खुदाई हो 100 साल बाद या 200 साल या 1000 साल बाद, तो वहाँ से जो कुछ अवशेष प्राप्त होंगे तो उसे हम लोग मृदभांड बोलते हैं। तो उससे ही जो जानकारी मिली है उसी को हम लोग पढ़ते हैं, और उसी के बारे में हम लोग उतना ही जानकारी हमारे पास, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। उस समय के आदमी इतने भूखा थे कि उनको पढ़ने लिखने का ज्ञान था ही नहीं, कुछ लिखे ही नहीं, पढ़े नहीं, तो हम लोग कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये जो पूरा, और तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह का आखिर कौन सा टाइम पीरियड है जहाँ पे लोगों को पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं था। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्ट्री की जानकारी रखी होगी, तो ये जो पाषाण युगीन सभ्यता है, जो पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल जो हम लोग बोलते हैं, तो उस समय के लोगों के पास इस तरह की कोई भी आधारभूत संरचना नहीं थी, कुछ बेसिक नीड्स को भी पूरा करने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता था। तो वो जो पूरा पाषाण काल यानी पाषाण युगीन सभ्यता है, वो इसके अंदर रह जाता है, प्राक इतिहास के अंदर, यानी प्री हिस्टोरिक एज के अंदर। तो इसमें हमको और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो भी इतिहास है, जितने भी इतिहास में जिसमें मानव जाति ने सर्वाइवल किया, अपने आप को डेवलप किया, वो सबसे जो लंबा टाइम पीरियड है मानव जाति का, वो किस समय उन्होंने बिताया? तो ये टाइम पीरियड आपका प्राक ऐतिहासिक काल ही है, और इसी में उन्होंने सबसे ज़्यादा, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 25 लाख साल पहले, 20-25 लाख साल पहले शुरुआत हुई थी, और ये 12,000 यानी के का मतलब तो जानते होंगे हज़ार, यानी कि इतने हज़ार साल पहले तक ये सभ्यता थी, यानी कि सबसे लंबा जो मानव जाति का
जो सेशन, जो टाइम काल रहा, जो समय काल रहा, वो आपका प्रागैतिहासिक रहा, ठीक है। और इसमें आप ये भी याद रख सकते हो दोस्तों कि सबसे पहले जो मानव जाति का जो उत्पत्ति हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था, इसलिए उसको अफ्रीका को मानव जाति का यानी कि ह्यूमन काइंड का क्रेडल भी कहा जाता है, मानव जाति का पालना भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक छोटा छोटा एडिशनल आप जो है सो कॉन्सेप्ट को आप लिखते जाइएगा, आपको अच्छा लगे तो। चलिए ठीक है दोस्तों, तो प्री हिस्टोरिक एज से अब आते हैं हम लोग अधितिहास। अधितिहास मतलब प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज में क्या है दोस्तों कि उस समय तो लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान था, जैसे बट उनके द्वारा जो लिखा गया, उनके द्वारा जो लिखा गया, जो पढ़ा गया, जो भी स्क्रिप्ट था, उसको आज तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए। यानी कि आप एज लाख समझ लो, डॉक्टर जो हम लोग को लिख के देते हैं पुर्जा, जिसको कि हम लोग समझ ही नहीं सकते, सेम चीज़ है, ये वैसा ही है कुछ, ठीक है। तो और ये टाइम पीरियड कौन सा है आप समझ सकते हैं, जो हड़प्पा संस्कृति थी, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये सारा जो है सो हमारा प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। इसमें हमारे पास कुछ भी ज़्यादा लिखित साक्ष्य नहीं है। और तीसरा तीसरा पार्ट आता है हमारे पास हिस्ट्री, यानी कि हिस्टोरी केस। तो आप जानते हैं दोस्तों कि हर एक देश का, हर एक पार्टिकुलर जो जितने भी कंट्री हैं, उन सबका अपना अपना इतिहास है। तो हमारा जो भारतीय इतिहास है उसको तीन भागों में बांटा गया है, जिसको कि सबसे पहले हम लोग बोलते हैं प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन भारतीय इतिहास कह सकते हैं, दूसरा आता है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आता है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। और इसको तीन ना कह के चार भी कह सकते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के बाद जो एक समकालीन जो समय चल रहा है यानी कि जो अभी करंट में चल रहा है, तो वो भी इसी के अंदर आ जाता है, यानी कि चार पट कह सकते हैं। लेकिन समकालीन भारतीय इतिहास को जो जनरल कंपटीशन है, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो यूपीएससी या पीएससी के लिए जो मेंस का पेपर लिखते हैं, उसके लिए आपका समकालीन भारत को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं हम लोग कि प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, आखिर इतिहास को जो हमारे इतिहासकारों ने डिवाइड किया, आखिर उनको डिवाइड करने का बेसिस क्या था, आखिर क्या उन्होंने ऐसा मापदंड तैयार किया था जिसके बदौलत उन्होंने इस टाइम पीरियड को बांटा। तो देखिए दोस्तों, आखिर हम लोग अभी आधुनिक भारत बोलते हैं, जैसे कि आज हम लोग टॉपिक ही शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत, तो आखिर किस टाइम पीरियड का आधुनिक भारत कहा जाता है, आखिर किस टाइम पीरियड के लोगों का आधुनिक भारत कहा या फिर मॉडर्न कहा जा सकता है। जैसे अभी हम लोग हैं, हमारे पास सारी सुख सुविधाएँ हैं, अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए एकदम नया है, यानी कि वो हमारा लेटेस्ट है, और इसके आगे ही हम लोग जाएंगे, पीछे नहीं। यानी कि हम जो है सो अभी अपने एकदम मॉडर्न युग में जी रहे हैं। तो आज से जैसे ही 1000 साल पहले की बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ के लोग भी जो होंगे तो वो भी अपने आप में मॉडर्न होंगे, यानी कि जो भी समय काल में जो भी प्रेजेंट लोग होते हैं वो अपने आप में मॉडर्न होते हैं। क्योंकि आप सोचे सुने होंगे कि प्राग इतिहास किन काल यानी पुरापाषाण या मध्य पाषाण काल में एक वर्ड आया था कि अग्नि का आविष्कार किया गया, चाक का आविष्कार किया। क्या आज हम लोग अभी की समय में क्या चाक का आविष्कार शब्द का यूज कर सकते हैं या फिर अग्नि के आविष्कार का यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत पुराना हो चुका है, ये बहुत 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 बीती बात हो चुकी है। बट उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत नया था, उसको आविष्कार का नाम दिया। यानी समझ सकते हैं दोस्तों कि जो समय में जो लोग थे वो अपने मॉडर्न समय में ही चल रहे थे, तो और अभी हम अपने में। और इसी तरह जैसे कि हमारे से हमसे जो आने वाले हैं, जैसे कि 2 साल 2000 साल बाद जो भी लोग आएंगे, वो अगर सोचेंगे हम लोग के बारे में, तो उनका भी नज़रिया कुछ ऐसा ही होगा कि आखिर ये लोग कैसे रहते थे, मतलब कि दिन भर खाना खा रहे हैं और उसको उनको प्रोटीन विटामिन इतना सा मिल रहा है, पूरा बिजली के लिए जो सो हमारे पास बिजली डिपार्टमेंट एक बना हुआ है, जबकि सोलर का भी आविष्कार हो चुका है। हम लोग चाहें तो सोलर लाइट का भी, अपने हर एक आदमी अपने छत पर भी सोलर का एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकता है, उसको डोमेस्टिक यूज के लिए यूज कर सकता है। तो हो सकता है कि उनके नज़र में हम लोग बहुत भोके होंगे या फिर बहुत बेवकूफ़ कहलाएंगे कि यार वो कैसा, मतलब उस समय के लोग थे जो इतना बड़ा मोबाइल लेके चलते थे और इतना सारा दिन भर खाना खाना है, और जो जितने भी डिजीज होते हैं, जितने बीमारी होते हैं, उसके लिए हर एक चीज़ के लिए अलग अलग हम लोग दवाई खाते हैं। तो ऐसा भी एक समय आएगा जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, कि जिस तरह से BCG का टीका दिया जाता है, BCG का टीका दिया और वो आपका बीमारी होने वाला नहीं है फिर दोबारा, तो उसी तरह हो सकता है हर एक जो भी वायरल डिजीज है, जो भी वाटर से होने वाला वो काउजल डिजीज है, तो उनके लिए एक ऐसा टीका बन जाए, उनके लिए कुछ इस तरह का व्यवस्था हो जाए जो कि आपको इतना सारा दवाई खाने की ज़रूरत ना हो। तो वो उस समय के लोग, और वो अगर हमको देखेंगे, इस समय के लोगों को देखेंगे, तो कहेंगे ये लोग भी कितने बेवकूफ़ थे जो इतना सारा
समय व्यतीत करते थे इन सारे कामों में। तो पीछे का हम लोग देखें कि आखिर हम लोग अभी सोचते हैं या फिर जो मध्यकालीन के भारत के लोग थे वो पहले सोचते होंगे कि ये लोग नंगे कैसे रहते थे, बिना कपड़े कैसे दिखते होंगे, कैसे लगते होंगे। तो बट उनके लिए तो वही नया था और इनके लिए वो नया था। जब हम लोग कुर्ता पजामा पहनना शुरू किए, उसके बाद फिर पैंट शर्ट पहनना शुरू किए, फिर टाई लगाना शुरू किए, तो हर एक दौर में जो इंसान है अपना मॉडर्न युग में है। तो फिर हम लोग फिर वही क्वेश्चन आता है कि आखिर इसको डिवाइड करने का बेसिस क्या था, आखिर किस तरह से इतिहासकारों ने इसको बांटा। चलिए दोस्तों, तो इसको बांटने का बस दो ही बेसिक फंडा है, जो कि पहला कहलाता है आपका जहाँ से संस्कृति में आपका चेंजिंग है, यानी कि हमारा जो कल्चर है वहाँ से जहाँ से चेंजिंग आता है वहाँ से समझिए मॉडर्न हिस्ट्री शुरू। और उसी तरह एक जो आता है हमारा शासन प्रणाली, कि पहले किस तरह का शासन होता था और अब हमारा शासन किस तरह का हो रहा है, जिस तरह से क्रमिक चेंजेज आ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ से चेंजिंग आ रहे हैं वहाँ वहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि वो नया दौर शुरू हो रहा है, नया मॉडर्न शुरू हो रहा है, मॉडर्न युग शुरू हो रहा है, आधुनिकता उसके अंदर आ रही है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो कल्चर की बात करते हैं, तो पहले जो कल्चर हुआ करता था हम लोगों में कि अभी या फिर अभी हम लोग चर्चा कर लें कि अभी हम लोग ग्रामीण सभ्यता या ग्रामीण कल्चर अलग है, हमारा जो जो नगरीय सभ्यता है, नगरीय जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है। अब वहाँ आप पार्क में जाओ, वहाँ आप घूमने जाओ तो वहाँ आपको कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिल सकता है, बट यहाँ जाओ तो यहाँ अलग दृश्य देखने को मिलेगा। तो यहाँ से कल्चर में चेंज आ जाता है। पहले क्या होता था कि आप समझ सकते हैं कि आप शादी के लिए जो है सो सात फेरा लेना जरूरी है ना, बिना सात फेरा के आपका शादी नहीं हो सकता है। बट अभी क्या है, बिन फेरे हम तेरे वाली बात है, या फ़ोन पे भी शादी हो जाती है, फ़ोन पे ही वादे हो जाते हैं, तो मुझे धोखा तो नहीं दोगे, छोड़ोगे तो नहीं, साथ छोड़ कर तो नहीं जाओगे। तो इस तरह का ये क्या हुआ, ये कल्चर में चेंजिंग आना शुरू हो गया। पहले लोग जो है सो चाय मट्ठा और दूध पिया करते थे सुबह सुबह, उसके जगह अब कॉफ़ी और चाय ले लिया। तो क्या हुआ, ये रहन सहन में आदमी के खान पान में जो चेंजिंग आया, ये सब कल्चर में चेंजिंग को दर्शाता है। तो और इसी तरह हम लोग बात करें अगर एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि शासन प्रणाली की, तो शासन प्रणाली की अगर हम लोग शुरू में बात करें, स्टार्टिंग में, तो जो शासित तबका था और जो शासक थे दोनों के दोनों हिंदू थे, और उनका जो शासन करने का जो प्रक्रिया था वो पूरा बेस्ड था अपने धर्म ग्रंथों पर, यानी कि वेद पे या फिर कुरान है वगैरह ये सब। तो ये एक वो कल्चर चला कि जहाँ पे शासन था और एक छोटा समुदाय, छोटा सांप्रदायिक संगठन होता था। बट धीरे धीरे वो चेंज हुआ, जिस तरह उसके जैसे कि 1206 में जब मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ, तो वहाँ से क्या हुआ कि धर्म का जो बेस था, बेस जो आधार था, वो हमारा कुरान हो गया। पहले वेद था, अब कुरान हो गया, अब जो सो अब शासन प्रणाली ही पूरा चेंज हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो शासन प्रणाली जहाँ से चेंज हो रहा है वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मॉडर्न हो गया। और उसके बाद फिर आप अभी हम लोग के शासनकाल में क्या है कि अभी पार्लियामेंट है, चुनाव होते हैं, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले अभी बैंकिंग सुविधा है, पहले इस तरह का सुविधा नहीं था, इस तरह का बात नहीं था। तो वो हमारा पहले आ जाता है। सबसे पहले जैसे भी लोग रहते थे, उसके बाद उन्होंने मध्यकालीन भारत में कुर्ता पजामा पहनना शुरू किया, तो उसको एक नाम दे दिया मध्यकालीन भारत, क्योंकि अभी परिवर्तन होना बाकी था। परिवर्तन ही सत्य है, परिवर्तन हमेशा होता ही रहता है। तो मध्यकालीन भारत, और पैंट शर्ट से फिर जो है सो कुर्ता पजामा से फिर पैंट शर्ट में आ गए, फिर टाई में आ गए। तो क्या हुआ, यहाँ से उसके कल्चर में, उसके रहन सहन में फिर चेंजिंग आ रहा। तो ये एक बेसिस होता है, जो दो बेसिस मैंने बताया कि आपको चेंजिंग का कहाँ से हो रहा है, एक आपका शासन प्रणाली में चेंजिंग और दूसरा हमारी सांस्कृतिक सभ्यता में परिवर्तन। इन दोनों में चीज़ों में जहाँ से परिवर्तन शुरू हुआ वहाँ से हम लोग कह सकते हैं एक नए दौर की शुरुआत हुई, एक नया युग हुआ। तो अब हम लोग आते हैं आधुनिक भारत की तरफ, आखिर आधुनिक भारत की शुरुआत कब से हुई। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, थोड़ा सा इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे इतिहासकारों का विभिन्न विभिन्न मत है, उन लोगों का अलग अलग मत है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि जहाँ से अंग्रेज जैसे ही पदार्पण किए भारत में, तो वहाँ से जो सो कह सकते हैं कि मॉडर्न युग की शुरुआत हो गई। फिर कोई कहता है कि जहाँ से उन्होंने शासन शुरू किया तो वहाँ से मॉडर्न इतिहास की शुरुआत हो गई। तो हम लोग को इस फेरा में नहीं पढ़ना दोस्तों, जिसको इतिहासकार भी जो क्लियर नहीं कर पाए, तो वहाँ पे हम लोग को भी कुछ बोलना
सही नहीं है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हम लोग सीधा चलते हैं कि हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने हमें कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अंग्रेज़ जब आए, ठीक है, तो अंग्रेज़ तो 1600 ईस्वी में ही हमारे भारत में आ गए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपना पैर फैलाना शुरू किया। लेकिन जब प्लासी का युद्ध हुआ, जो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद भी उन्होंने शासन को अपने हाथ में नहीं लिया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई? या फिर 1764 में जब हिंदुस्तान का 3 शक्तिशाली गुट, हम कह सकते हैं कि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और आपका बंगाल का मीर कासिम और अपना जो मुग़ल शासक थे शाह आलम, तो इन लोगों को एक करारी शिकस्त मिली बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेज़ शासन व्यवस्था को अपने हाथों में नहीं लिया। तो आखिर कैसे कह सकते हैं कि हम कि यहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई? तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग मुग़ल, आप लोग भी थोड़ा बहुत मुग़लकालीन सभ्यता पढ़े होंगे, तो वहाँ से जो चेंजिंग आना शुरू हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा शासक था, ऐसा कौन सा उस समय का एडमिनिस्ट्रेटिव था जिसके बाद से जो कल्चर में और सब या फिर अंग्रेज़ का जो वर्चस्व वहाँ से बढ़ना शुरू हुआ आखिर किस शासन के ख़त्म होने के बाद? देखिए दोस्तों, जब अंग्रेज़ भारत आए थे तो उस समय हमारा जो मुग़ल शासक थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उनका जो उनके अभिवादन में जो शब्द हुआ करते थे वो हुआ करते थे मेरे कृपा, आपकी कृपा पात्र, आपके पुत्र, आपके नौकर। तो इस तरह से मुग़ल शासकों को वो लोग संबोधित किया करते थे कि इतना रिस्पेक्ट दिया करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ या फिर ऐसा कौन सी घटना हो गई जिसके बाद आपका मुग़ल शासन इतना कमज़ोर पड़ गया और वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल हो गया? तो हमारे जहन में एक नाम आता है जो मुग़ल शासक जो कि है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की मृत्यु एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ से कि मुग़ल शासन बहुत ही कमज़ोर पड़ने लगा और ये हमारा जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे पूरा पावरफुल होना शुरू कर दिया। तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग देखेंगे कैरेक्टर की, औरंगज़ेब का कैरेक्टर क्या था, आखिर औरंगज़ेब ने ऐसा शासन प्रणाली किस तरह का बनाया था कि इतना पावरफुल होने के बाद भी उसके मरने के बाद एक मुग़ल शासन एक ताश के पत्तों की तरह ढह गई, ख़त्म हो गई और उस पर अपना जो सो मुकाम बना लिया अंग्रेज़ों ने। तो चलिए थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं हम लोग औरंगज़ेब के बारे में। औरंगज़ेब हम लोग जानते हैं कि शाहजहाँ के 4 पुत्र था। पहला का नाम था दारा सिकू, दूसरा आ जाता है आपका शाह शुजा, तीसरा आ जाता है औरंगज़ेब और चौथा आ जाता है मुराद। अब देखिए दोस्तों, शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, 4 अनमोल रत्न बोल सकते हैं, जिनका कि नाम आपने बताया दारा सिको। दारा सिको एक बहुत ही निपुण आदमी था, वो बहुत ही कुशल, यानी कि जो शासक करने के लिए जो मटेरियल होना चाहिए वो सारा कुछ उसमें था और सारा ज़माना जानता था कि शाहजहाँ के बाद अगर कोई शासक बनेगा तो वो दारा सिको ही बनेगा। लेकिन ये तीसरे नंबर पे जो औरंगज़ेब है, औरंगज़ेब के मन में भी एक सपना था कि हम दिल्ली सल्तनत या फिर मुग़ल शासक की गद्दी पर बैठे और इसका जो शाहजहाँ के बाद का जो गद्दी है वो हमें मिले, प्रशासन हमें मिले। उसके बाद फिर आता है शाह शुजा। मीडियम क्लास के आदमी था, मतलब वो ज़्यादा बहुत तेज भी नहीं था, बहुत महत्वाकांक्षी नहीं था, बट ठीक ठाक था। अब आते हैं हम लोग औरंगज़ेब की बात, औरंगज़ेब के कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। औरंगज़ेब बहुत ही आपका बोल सकते हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही शक्की आदमी था, और जिसमें कि हम लोग उसके शक की बात अगर करें तो उन्होंने ऐसा एक घटना हुआ था जब उसने अपनी पत्नी को भी कारागार में डाल दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो एक बार क्या हुआ था कि जब ये अपने दक्षिण अभियान पे था औरंगज़ेब, तो उसकी पत्नी ने कहा, और वो उत्तर भारत की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप ऐसा ना हो कि आपके दक्षिण अभियान के चक्कर में हमारा उत्तर भारत भी हाथ से निकल जाए। तो उसको औरंगज़ेब को इतना शक हो गया अपनी पत्नी पर ही कि उसने उसको ही कारागार में डाल दिया। उसने सोचा कि यही षड्यंत्र रच रही है, यही औरत है जो षड्यंत्र रच रही है हमारे खिलाफ। तो इस टाइप का आदमी था, और वो बहुत ही नवाजी और जिसको बोल सकते हैं धार्मिक आदमी, बहुत नवाजी आदमी था, और इसीलिए इसको जिंदा पीर कहा जाता था औरंगज़ेब को।
जिंदा पीर भी कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत नवाजी था और अपने धर्म के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट था। और ये औरंगजेब के शासनकाल में ही, औरंगजेब के शासनकाल में जो सबसे विस्तृत आपका जो सीमा हुआ, यानी कि जिस समय जो अकबर द ग्रेट के समय भी नहीं था जितना बड़ा विस्तृत सीमा, जितना बड़ा साम्राज्य और जितना बड़ा शासन सेना टुकड़ी, उतना बड़ा इस औरंगजेब के पास था। लेकिन फिर भी इसके ये शक का जो आपका अवगुण है और इसके महत्वाकांक्षा ने इस अपने सामने किसी को टिकने नहीं दिया, इसने किसी को अपने आगे योग्य बनने ही नहीं दिया, जिसके वजह से इसके बाद कोई उत्तराधिकारी बना ही नहीं जो कि शासन को संभाल सके, जो कि मुगल शासन को संभाल सके। तो एक यही कारण था कि जिसके वजह से कि औरंगजेब के मरने के तुरंत बाद ही जितने भी शासक बने वो बस नाम के ही बने, वो उनमें वो पावर नहीं था जो मुगल शासन में हुआ करता था। तो और इसका करैक्टर देखते हैं औरंगजेब के, औरंगजेब के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सा आपका रंगीला मिजाज का भी आदमी था। उसने 4 शादियाँ की थी और 4 शादी करने के बाद भी अगर ऐसा क्या है कि इस्लाम में क्या है कि एक रूल है कि 4 शादी आप कर सकते हैं, बट अगर 4 शादी के बाद भी कोई राजा जो पहले के हुआ करते थे वो 4 शादी के बाद भी बहुत सारी पटरानियाँ रखते थे, बहुत सारी बेगम रखते थे, तो उसके लिए एक वर्ड आता है दोस्त, हरम। ये एक हरम, ये आपको आगे पढ़ना है हरम के बारे में भी। आगे हरम में क्या था कि बहुत सारी लड़कियां औरतें होती थी और उसमें कौन किसकी है ये आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी कि यहाँ तो जो कॉन्सेप्ट है एक फूल एक माली नहीं, यहाँ एक माली और पूरा बगीचा ऐसे टाइप का। तो हरम इन द सेंस कह सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन जो बोल सकते हैं हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जो सबसे पुराना व्यवसाय है आप जब मध्यकालीन भारत और उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा जो सबसे पुराना व्यवसाय क्या है, प्रोस्टिट्यूशन। तो ये उस समय भी इसका एक हरम के रूप में आप उसको बोल सकते हैं। तो इस तरह का कैरेक्टर था औरंगजेब का, और वो इतना शक्की था कि आपको मैं बता दूं कि दारा सिको यानी कि उसका बड़ा भाई, जब वो तो हमेशा शाहजहाँ के साथ ही रहता था, शासन व्यवस्था में बहुत साथ देता था, तो क्या हुआ एक बार कि उसने एक महल बनाया था, बहुत खूबसूरत महल, और उसके सामने बहुत बड़ा शीशा लगाया और वो शीशा इस तरह से एडजस्ट किया था आईना कि जो जमुना नदी है वो उसमें एकदम अविरल दिखता था सारा कुछ बहुत अच्छा। और आप ये भी जानते हो कि शाहजहाँ जो कि वास्तुकला का बहुत 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 ही ज़्यादा प्रेमी था, तो एक बार क्या हुआ कि उस महल में सबको जब फिर बनने के बाद सबको बुलाया, मतलब दारा ने सबको, दारा सिको ने सबको अपने परिवार वालों को बुलाया, तो वहाँ सब लोग गए घूमे फिरे, उसमें शाहजहाँ भी, मुराद भी, सासुजा भी, औरंगजेब भी। तो वहाँ पे एक घटना हुआ जिससे कि शाहजहाँ भी थोड़ा सा विचलित हो गया था। उसमें क्या हुआ था कि सब लोग तो बैठे हुए हैं अपना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन औरंगजेब एक जो राजा का बेटा का जो वो होता है गरिमा होता है उसके अनुसार वो काम ही नहीं कर रहा था। वो कभी गेट के बाहर जाता, वो कभी गेट के अंदर जाता, कभी इधर, मतलब वो बेचैन था, उसको शक था कि उसके साथ कुछ गलत होगा। तो इस पर शाहजहाँ ने उसको टोका भी कि ये तुम किस तरह का आचरण कर रहे हो, ये राजा के बेटे का ये आचरण नहीं है, तो तुम कहीं बैठ जाओ। तो वो बैठा भी तो गेट के पास बैठा, तो शाहजहाँ को फिर से टेंशन हो गया कि ये गेट पे क्यों बैठा है, इसको तो हम लोग के साथ सही गद्दी पे बैठना चाहिए। तो कुछ दिन के बाद शाहजहाँ ने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या बात था जो तुम इस तरह का हरकत किए। तो औरंगजेब ने क्या कहा कि देखिए जिस महल में हम लोग बैठे थे उस महल में सिर्फ एक ही दरवाज़ा था बाहर जाने का, और अगर वो दरवाज़ा दारा सिको अगर बाहर से बंद कर देता तो हम लोग अंदर ही मर जाते और वो अपने आपकी गद्दी पे बैठ जाता। तो इस तरह का शक्की इंसान था वो आपका औरंगजेब। और फिर चौथा आता है आपका मुराद। मुराद कह सकते हैं पूरा बेवकूफ़ इंसान था, पूरा बेवकूफ़ इन द सेंस कि अगर आप उसको थोड़ा सा पिन कर दो, पिन इन द सेंस समझते हो ना, कि अगर उसको बोल दो कि तुम टावर पर नहीं चढ़ सकते, तुम पुल पर नहीं चढ़ सकते, तो नहीं नहीं मैं चढ़ के दिखा दूँगा, ठीक है तो चढ़ के देखो, और जैसा बोलोगे तो चढ़ के भी दिखा देगा। अब उसको बोले कि तुम उसमें करंट वाले तार को नहीं छू सकते, तो वो करंट वाले तार को भी छू के दिखाएगा। तो इस कैरेक्टर का था मुराद, ठीक है। तो शाहजहाँ जानता था कि अगर ये 4 नमूने यानी उनके जो अनमोल रतन हैं चारों, अगर उनको एक साथ रखा गया तो अब वो आपस में ही कट पिट के मारे जाएंगे। तो उसने क्या किया कि चारों को 4 प्रांत का सूबेदार बना दिया, 4 सूबे का सूबेदार। उस समय सूबे का मतलब होता था आपका राज्य, और सूबेदार का मतलब होता था वहाँ के CM कह सकते हैं, मुख्यमंत्री।
तो उन्होंने क्या किया कि दारा शिकोह को अपने साथ यानी कि उत्तर भारत में रखा, वो आप शासन प्रणाली में मदद भी करता था शाहजहाँ का, और जो शाहजहाँ को उन्होंने बंगाल का प्रशासन दे दिया, और औरंगजेब को दक्षिण का प्रशासन दे दिया, और मुराद को दे दिया गुजरात का, गुजरात प्रांत का सूबेदार बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से सब लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए और काम चल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि शाहजहाँ को पता नहीं उन्होंने एक ऐसा ऐलान जारी किया, एक तरह का झूठा हवा फैलाया कि दारा शिकोह ने शाहजहाँ को जहर देकर मार दिया। अब ये बात जैसे ही औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब उसके सर ऊपर से ज़मीन और नीचे से पैर खिसक गया कि अगर दारा शिकोह गद्दी पर बैठ गया तो मेरा सपना चकनाचूर हो जाएगा गद्दी पर बैठने का, तो यही समय हमें कुछ करना चाहिए। तो अब क्या करे वो, तो उसने अपने छोटे भाई यानी मुराद को एक चिट्ठी लिखा, और चिट्ठी में ये लिखा कि मेरे प्रिय भाई मुराद, जिस पिता ने हमें अपना उंगली पकड़ के चलना सिखाया और उन्होंने अपने हमें अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहने के लिए और कर्तव्य निष्ठा के लिए अपने जिसको अलग अलग प्रांत दे दिया ताकि वो अपना कर्तव्य का निर्वाहन कर सके, उस पिता को कोई जो है सो आदमी जहर दे के मार दे और तो ये तो अनुचित है, तो इसका बदला तो लेना या फिर उस आदमी को सबक सिखाना भी हमारा एक दायित्व है, हम आखिर हम उनके पुत्र हैं तो हमें इसका दायित्व निभाना चाहिए। तो फिर उन्होंने लिखा, मुराद तुम भाई में सबसे छोटे हो और तुम चिरंजीवी हो, तुम ज़्यादा दिन तक जियोगे, और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई शासन प्रणाली को संभाले यानी गद्दी पर कोई बैठे तो वो तुम बैठो, लेकिन याद रखना गद्दी पर बैठने के बाद मुझे एक छोटा सा टुकड़ी दे देना साम्राज्य का ताकि मैं वहाँ से अपना दो जन की रोटी खा सकूँ, ताकि मैं क्योंकि मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, मुझे जीवन के मोह माया से और इसके प्रलोभन से कोई मतलब नहीं है, और तुम्हारा प्रिय भाई तुम्हारा बड़ा भाई औरंगजेब। तो इस वो चिट्ठी जो है जब मुराद के पास पहुँचती है तो मुराद भी सोचता है अपने अंदर बहुत खुश होता है दिल ही दिल कि इस ज़माने में ऐसा भी कोई भाई हो सकता है क्या, और इसी खुशी में उसने वो लव लेटर यानी कि वो चिट्ठी फिर दारा को फॉरवर्ड कर दी, यानी कि उसने उसके युद्ध के लिए फिर ललकारा। फिर दारा ने देखा कि मुराद से मुझे लड़ना है, तो देखो समझो दोस्तों कि अगर तोप से मुर्गी को मारोगे तो खाने लायक भी नहीं बचेगा वो, तो उसने सोचा कि मुझे तो मुराद से ही लड़ना है, तो उसने एक छोटी सी टुकड़ी लेके मैदान में चला गया। जब वो जंग के मैदान में पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि मुराद की सेना कम और औरंगजेब की सेना ज़्यादा है, लेकिन नेतृत्व करता वहाँ पे मुराद ही है। तो वहाँ क्या है कि अब संख्या तो कम हो गई, अब इसका जो है सो टेंशन भी बढ़ गया ये दारा का, और वो अच्छा खासा वहाँ पे उसकी पिटाई हो जाती है, यानी कि वो जग हार जाता है गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब दारा औरंगजेब शाहजहाँ से चर्चा करता है तो शाहजहाँ ने उनको बताया, देखो बेटा ये सारा जो खेला है, ये सारा जो हो रहा है मामला, वो मेरे मृत्यु के अवसर से ही हो रहा है, तुम मुझे जंग के मैदान में ले चलो तो इससे क्या होगा कि सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा, सारा लड़ाई ही ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन दारा ने इस चीज़ को अब ईगो पे ले लिया था कि मुझे मुराद हरा सकता है, मैं तो उसको अब नहीं छोड़ूंगा। तो अब नेक्स्ट टाइम इधर औरंगजेब का भी पैनी निगाह बना हुआ था इस पे दारा पे, कि वो जानता था कि इसके पास तो शाही सेना है, उसका इस्तेमाल अभी करेगा क्योंकि अब अगर युद्ध हुई तो वह छोटी टुकड़ी लेकर आने की गलती तो करेगा नहीं। तो उसने औरंगजेब ने क्या किया, एक चिट्ठी फिर से लिखा औरंगजेब को, मुराद को लिखा, प्रिय भाई मैं चाहता हूँ कि शासन तुम ही करो, और अगर जंग में खेत आने की नौबत पड़े तो वो मेरी हो। एक इतिहास में एक वर्ड आता है खेत आना, मतलब होता है कि अगर मृत्यु मिलना हो, यानी कि अगर जंग के लड़ाई में लड़ते लड़ते अगर कोई मर जाए तो वो खुशनसीब मैं बनूँ, क्योंकि तुम्हें तो गद्दी पर बैठना है। लेकिन तो ये चिट्ठी उसको लिखा, लेकिन इस पर नेतृत्व करने का तुम जो अधिकार मुझे दो, ताकि अगर कुछ वो इस तरह का सिचुएशन भी होता तो मैं मारा जाऊँ तुम बच जाओ। इस बार फिर जो मुराद खुश हो गया और उसने फिर से जंग के लिए लड़काया उस दारा को, और फिर से एक बार दोनों आमने सामने होते हैं। इस बार देखता है कि वो तो शाही सेना लेकर आया है और उससे भी ज़्यादा सेना लेकर, मतलब औरंगजेब के पास भी सेना तो ज़्यादा था ही। तो औरंगजेब एक्चुअली में क्या है कि एक बहुत ही कुशल नेतृत्वकर्ता और बहुत कुशल कुटिल आदमी था, तो उससे पार पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इस बार अब जंग के मैदान में जैसे ही पहुँचता दारा तो अब देखता है कि सबको तो ठीक है, बट इस बार नेतृत्वकर्ता आपका
औरंगजेब है, तो इस बार भी दारा को हार का सामना करना पड़ता है। और इसकी वजह से उसे वहाँ इस हार के बाद से जब उसे दक्षिण पश्चिम की तरफ भागना पड़ता है, तो भाग जाता है, तब वहाँ से उसको निष्कासित कर दिया जाता है एक्चुअली में। तो फिर एनकेन प्रकार ने उसको जब वापस आता है तो उस पर आरोप लगाया जाता है कि देशद्रोह का और इस तरह का कुछ उटपटांग, उस पर आरोप लगा के उसे मौत की सज़ा सुना दी जाती है। उसके बाद औरंगजेब उसके सर को घर से अलग करके, यानी घर से अलग करके उसके सर को पूरे दिल्ली के चौराहे, पूरे सड़क पे घुमाता है, ताकि किसी के मन में ये शक न रहे कि अभी भी जिंदा है कौन, दारा, ताकि वो एक संदेश देना चाहता था कि दारा अब मर चुका है, अब अगर कोई गद्दी पे बैठेगा तो अब हम तीन में से कोई एक भाई बैठेगा। दारा की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब ने एक जश्न का माहौल बनाया, जश्न का एक माहौल क्रिएट किया, मुराद को फिर से कॉन्टेक्ट किया और मुराद को बोला चलो चलो भाई, अब दारा की मृत्यु की खुशी में हम लोग पार्टी मनाते हैं, कुछ इस तरह का जश्न करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस्लाम में शराब पीना मना है, तो उसने क्या किया, औरंगजेब तो कुटिल था ही पहले से, उसने खुद कम पिया और मुराद को ज़्यादा पिलाया। और जब वो पूरे नशे में धुत हो गया तब उससे पूछा कि जब तुम सूबेदारी कर रहे थे गुजरात की, तो तुम अपने प्रधानमंत्री, यानी कि उसका जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था अली नकवी, उसको फांसी की सज़ा क्यों दिया। तो मुराद ने कहा मेरा मन किया तो मैंने दे दिया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो निर्दोष है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो दे दिया था फांसी की सज़ा तो देना पड़ा। तो औरंगजेब ने कहा कि तुम अगर उसे फांसी की सज़ा दे सकते हो तो हम तुम्हें क्यों नहीं दे सकते हैं, आखिर तुमने गलती की है। अब जो है मुराद का पूरा नशा उतर गया, अब उसको समझ में आया कि असली भाई कैसा होता है। तो उसके बाद औरंगजेब का जो मनसा था उसने फिर उसका भी, मतलब उसको भी मौत के हाथ उतार दिया, हाथ पर बांध के उसको मरवा दिया। तो इस तरह से अब और शाहजहाँ का दो बेटा बचता है, एक आपका शाह शुजा और औरंगजेब। तो इस तरह से हम लोग देखा दोस्तों कि औरंगजेब का किस तरह का कैरेक्टर था। अभी हम लोग बस मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने से पहले, ये मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगा आपको 1907 यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो इस तरह से इसका कैरेक्टर था, ये इस तरह का आदमी था, इस तरह का उसका प्रशासन शासन करने का तरीका था। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, और इसमें अब जो शाह शुजा और औरंगजेब इनके बीच जो युद्ध होने वाला है इसका जो सो हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसको अच्छे से समझिए, और जिस तरह का फाउंडेशन मैंने तैयार बताने की कोशिश की हिस्ट्री के बारे में उसको एक बार अच्छे से समझिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।